निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। कर्मचारी नेता भगत राज तिसावर के नेतृत्व में लायन कंपनी के दर्जनों सफाई कर्मचारियों ने एमसी और कंपनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान सड़क जाम करने की भी कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 2 माह से उन्हें सैलरी नहीं मिली है, जिससे इन सैकड़ों सफाई कर्मियों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। इन कर्मचारियों ने साफ कर दिया कि जल्द से उन्हें सैलरी नहीं दी गई तो इस आंदोलन को और भी तेज कर देंगे। तो सुनते हैं कर्मचारी नेता भगत राज और कर्मचारी को। क्या है पूरा मसला तिसावर जी? मैं भगत राज तिसावर, जस्टिस फॉर सफाई कर्मचारी का राष्ट्रीय कन्वीनर। मुझे अभी 3 बजे पता लगा कि सफाई कर्मचारियों ने रोड जाम किया हुआ है और मुझे इनकी ताकत पे बहुत खुशी हुई है कि ये अपने हक के लिए रोड पे आए। देखिए, आप पत्रकारों को भी पता है कि लॉयंस कंपनी ने सारे कानूनों की धज्जियाँ उड़ा रखी है। रिवाइजर साहब ने पीछे एक मौत हुई थी जब ये कहा था कि 7 के बाद कि सबको तनख्वाह 7 तारीख को मिलेगी, लेकिन रिवाइजर साहब के जो ऑर्डर है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। कल अपने अनुवाजा को मेल भी दी थी, डीसी साहब को भी मेल दी है। लॉयंस कंपनी ये कह रही है कि हमारा 30 करोड़ रुपया हेल्ड अप है, आपका हेल्ड अप आप उनसे लीजिए, हमने आपको थोड़ा बना करा, लेकिन हमारे एम्प्लॉयज को दुखी करा जा रहा। और आज हमारी ये सबसे बड़ी मांग ये, हमने पुलिस को बोला अभी अगर नहीं कोई आएगा तो हम वहाँ जाएंगे SSP ऑफिस। हमारे ये सब दलित भाई हैं, एक तो इनके ऊपर दलित एट्रोसिटी का एक्ट का मामला बन रहा है, दूसरा इनको वेतन नहीं दिया जा रहा। 2 मामले हम चाहते हैं दर्ज हो ताकि कंपनी को सबक मिले। और हम अगर आज हम शाम तक इनकी सैलरी नहीं आई तो कल हम सुबह फिर SSP ऑफिस इकट्ठे होंगे और प्रदर्शन करेंगे चंडीगढ़ पुलिस के विरुद्ध। जिस तरह से आपके नेतृत्व में अभी रोड को जाम किया गया, इसका हल क्या निकल जाएगा? देखिए, मैं बहुत आशावान आदमी हूँ, हल तो हर चीज़ का दुनिया में निकलता है, लेकिन अफसोस की बात रही कि जब से लॉयंस कंपनी आई है कभी भी इन्होंने टाइम पे सैलरी नहीं दी और इन लोगों को उन लोगों ने धमकाया जो सफाई कर्मचारियों का नेतृत्व करते रहे। कोई डरा धमका के तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, या तुम 11 बजे तक काम करते हो, 11 बजे के बाद अपने बैंक के लिए सामने रोड पे आओ, कोई तुम्हारी नौकरी नहीं हटाएगा, हल तो मधुकर जी निकलेगा। सफाई कर्मी मुनीत से, क्या है ये मसला और तिसावर जी का आप लोग समर्थन ले रहे हैं? नमस्कार सर जी, मैं आपका CNN का धन्यवाद करता हूँ। सर, हम वो सफाई कर्मचारी है जिनको सैनिक का दर्जा दिया गया है शहर में, ठीक है जी, जिसके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिसके चरण स्पर्श करके पैर धोते हैं जी, हम वो समाज है जी। आज इस समाज की इतनी दुर्गति हो रही है जी, 2-2 महीने हो जाते हैं सैलरी नहीं होती है जी, और जोन से हमारे वर्कर इस चीज़ के लिए हड़ताल करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है कि तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कुछ हमारे समाज के ही जो हमारे लीडर है वो हमारी लीडरशिप हमको आगे करके खुद पीछे हो जाते हैं। आज भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ, सवेरे हड़ताल करवाई और दोपहर को 11 बजे उन्होंने कुछ साठ गांठ की अफसरों के साथ में कि 100 बंदों की सैलरी आज आ जाएगी, उनके नाम लिख के भेज दिए। हम कहते हैं कि शहर में के सोई कर्मचारी है क्या? हाँ जी, सारे सफर कर्मचारियों को एक साथ समय पर वेतन मिलना चाहिए। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं जी, हमारा कम से कम 11-12 महीने का गुड़ तेल साबन हो गया वो कंपनी नहीं दे रही है। हमारी जो मेडिकल लीव होती है वो हमको अपनी कंपनी नहीं दे रही है। हम जाए तो कहीं जाए कहाँ? कोई पार्षद हमारी नहीं सुनता, कोई काउंसलर हमारी सुनता, मेयर हमारी नहीं सुनता, एडवाइज़र हमारी नहीं सुनता, हम कहाँ जाए जी? हमारा मरना जीना हो रहा है जिस करके हम आज रोड पर आए हैं जी। हम आपके CNG न्यूज़ से यही चाहते हैं जल्द से जल्द हमारी सैलरी और वेतन मिलना चाहिए सर। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि जब 2 महीने की सैलरी ना मिले तो क्या स्थिति होती होगी, भुखमरी तो छाई जाती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बात करने के लिए और मुझे उम्मीद है कि शायद नगर निगम से जल्द ही इस पर कुछ ना कुछ होगा। धन्यवाद आप। धन्यवाद।
CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।